के ভালোবাসি তোর জন্য রাখে বাড়ি ফুটাতে তোর তোর বাপের কথাই চলছিস পরে পস্তাবি পস্তাবি। तो सबसे पहले देखो एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना, और ये जो सॉन्ग बीट मार्क और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हो अगर नहीं पता है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दोनों प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। शुरू में कुछ इस तरह देखो एक इमोजी में बनाया हुआ एक देखो कुछ इस तरह एक फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो शुरू में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो आपको फ़ोन डाउनलोड करना होगा, इमोजी फ़ोन और एक बंगाली फ़ोन। तो सबसे पहले दोनों फ़ोन को डाउनलोड करके एलाइट मोशन में इम्पोर्ट कर लेना, और यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आना होगा। ये बीट में आने के बाद जिस फोटो से आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो से आप लोग वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाला फोटो को मैं ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद इसका जो लेयर है एकदम एंड तक ले आना, देख सकते हो कुछ इस तरह करके, और ऐसे करके दबा के रखना होगा। और ये दोनों फोटो लेयर रेक्टेंगल लेयर के नीचे कर देना कुछ इस तरह, यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में इफेक्ट ऐड करना होगा। तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक कर देना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, फिर को टच करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक कर देना, यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें आ जाना, और जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आके थ्री डॉट को टच करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो लिरिक्स है वो ऐड करना होगा। तो लिरिक्स कैसे ऐड करना है वो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो बीट है वो ये बीट में आपको लिरिक्स ऐड करना, मतलब खुद से लिखना नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना होगा। इसमें आने के बाद देखो कुछ इस तरह यहाँ पर जो लिरिक्स है वो देखने को मिल जाएगा। देखो सॉन्ग लिरिक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मैं यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, खाली यहाँ पर डबल लेयर ऑप्शन को टच करना है और सिलेक्ट ऑल लेयर करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो फोटो है फोटो को अनसिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है सभी लेयर को कॉपी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बैक करना है, यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क इसमें आना है, और ये वाला बीट में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर लिरिक्स कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। देखो मैं पहले से सब कुछ तैयार करके रखा हूँ, और यहाँ पर मेरा नाम की जगह यहाँ पर आप लोग अपना नाम दे देना। आगे आ जाना, आगे आने के बाद देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आना होगा, और ये जो लिरिक्स है ये खाली एक ही लिरिक्स में देखो इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये लिरिक्स में जो इफेक्ट है ये कॉपी करके यहाँ पर जितने सारे लिरिक्स लेयर है सभी लेयर में पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो लिरिक्स लेयर है लिरिक्स लेयर को टच करके यहाँ पर कॉपी लेयर कर लेना, और यहाँ पर देखो जितने सारे लिरिक्स लेयर है ये सभी लेयर को ऐसे करके सिलेक्ट करना है। तो ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद डबल लेयर ऑप्शन को टच करना है, और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है एरो ऑप्शन में, और यहाँ पर जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन को हटाना है, खाली दो ऑप्शन को रखना है, ये वाला शेडो वाला मतलब बॉर्डर वाला और ये इफेक्ट वाला। उसके बाद पेस्ट करना है। तो जैसे पेस्ट करोगे देखो सारे जो लिरिक्स लेयर है सारे लिरिक्स लेयर में इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देख सकते हो। तो अब क्या करना होगा, देखो आगे आ जाना, आगे आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना है, और ये वाला जो पिंजी बॉर्डर है देखो ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड करना है, ये वाला पिंजी बॉर्डर को सॉरी। सबसे पहले देखो ये वाला जो वीडियो है ये वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना। ये बीट में देखो 2 सेकंड में जो बीट है ये बीट में आपको ये वाला वीडियो को ऐड करना है। उसके बाद ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में है, लाइटिंग ऑप्शन में आने स्क्रीन करना है, और इस वीडियो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन करना है, देखो कुछ इस तरह करके फुल स्क्रीन कर लेना। और फुल स्क्रीन करने के बाद देखो कुछ इस तरह यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, देखो इसका जो लेयर है इसका लेयर बहुत लंबा है तो छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो
बिट है, ये बिट मतलब बिट नहीं, ये इतना दूर आ जाना आगे और टाइमर ऑप्शन को टच करके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना तो छोटा हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरह इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आगे आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। देखो यहाँ पर ये वाला जो पिंज बॉर्डर है, ये वाला पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना और इसका जो लेयर है एकदम एंड तक ले आना है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो कलर आप लोग चेंजिंग देखा है, ये कलर चेंज करने के लिए ये बॉर्डर लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, ऐड इफेक्ट में आ जाना। और देखो यहाँ पर जो कलर एंड लाइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर सॉलिड कलर जो ऑप्शन है, इफेक्ट है, ये इफेक्ट को ऐड कर लेना और इधर से जो कोई भी आप लोग कलर रखना चाहते हो वो कलर को सिलेक्ट कर देना। देखो कुछ इस तरह। तो ऐसा करके दोस्तों आप लोग ये स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब देख लीजिए, जय हिंद।